नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं जीएसटी सुविधा केंद्र। अब आपने कोई कंपनी बनाई है तो उस कंपनी को रजिस्टर भी तो करवाना होगा ना, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि केवल कंपनी बना लेना जरूरी नहीं है, उसे लीगल तब तक नहीं माना जाता जब तक उसका रजिस्ट्रेशन यानी जब तक वो पंजीकृत ना हो। ऐसे में हम आज बात करेंगे कि कैसे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया जाए। इसमें आपको आसान चार स्टेजेस यानी 4 स्टेजेस का एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसमें स्टेप 1 है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC, स्टेप 2 है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN नंबर, स्टेप 3 है रजिस्ट्रेशन ऑन द MCA पोर्टल, स्टेप 4 है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम बात करते हैं कि इससे आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी खुद की हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है और लीगल एंटिटी मिल जाती है, बिजनेस के लिए लोन मिलते हैं। अगर आपके नाम पर कोई इलीगल कंपनी चला रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, फ्री एंड इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और इतना ही नहीं इस तरह के कई और फायदे भी मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब होगा कैसे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विस देती है और साथ ही साथ आपको सक्षम बनाती है कि आप अपनी कंपनी आगे बढ़ाएं, और इसके लिए आपको बस एक ऑर्डर प्लेस करना है और उसके लिए जरूरी दस्तावेज देने हैं। बाकी आगे का काम हमारी टीम करके देगी। साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा कमीशन भी देती है, और अगर आप कमीशन रेट और सर्विसेज देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी सर्विस लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.gstsuvidhakendra.org पर विजिट भी कर सकते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।